तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स थर्ड के यूनिट नंबर वन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर वन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बेसिकली वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। और सारी चीजें हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप लोग एक बार क्या कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चेकआउट कीजिए और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो सीरीज के अंदर बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करना आपके लिए बेहद जरूरी है यूनिट नंबर वन से, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के उसके चांसेस 90-95% तक रहते हैं। ओके, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे पहले मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स थर्ड का जो नोट्स है वो सारे लोग एक्सेस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स को एक्सेस किया है, जिसमें उनको कंप्लीट नोट्स यूनिट वन से लेके यूनिट नंबर फाइव तक के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि वो नोट्स को एक्सेस करे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको लिखा गया है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये जो भी क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, उन टॉपिक्स को अगर आप मान लीजिए कि 100% कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपको उन टॉपिक को ऊपर ऊपर देख लेना है, उन टॉपिक पे बकायदा आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स तक पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, सारी चीजें फॉर्मूला पे आधारित है। फॉर्मूला को आप पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, फॉर्मूला को आप लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिलते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना है। ओके, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा। और साथ ही साथ उन स्टूडेंट को भी मैं वही रिकमेंड करूंगा कि जो भी चीजें, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट नोट्स को एक्सेस करता है और वो रख देता है नोट्स को एक्सेस करके, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप नोट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ आपको उनको पढ़ने की जरूरत है। और सारी चीजें जो प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, इस बात को आप मान के चलिए। और जो टॉपिक मैं अभी बताने वाला हूँ, उतने ही टॉपिक को अगर आप कवर अप कर लेते हैं पहले यूनिट के रिगार्डिंग, तो पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ अब आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको यूनिट नंबर फाइव तक के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो लगभग लगभग सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर अप कर लेंगे तो मैथमेटिक्स थर्ड में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, बिल्कुल हंसते खेलते आपका बढ़िया ग्रेड से जो होगा आपका मैथमेटिक्स थर्ड वो क्या होगा, क्लियर होगा। क्लियर हुआ, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं, आखिर कौन कौन सा वो क्वेश्चन है, क्या टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स का प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे। तो आप देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक मैंने रखा है यूनिट नंबर वन से, वो टॉपिक आपका क्या है, पहला आपका है न्यूटन रैप्सन मेथड। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन रैप्सन मेथड काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर क्वेश्चन, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस बात को आप मान के चलिए। लगभग 90% चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, इस बात को आप मान के चलिए, उसमें से ना रहने वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, मैथमेटिक्स थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट है और जिसमें मैंने मैथमेटिक्स को कंप्लीट पढ़ाया है उसका भी प्लेलिस्ट है। तो सारी चीजों का आप देख सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज वहां पे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं, सारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को बताए गए हैं और एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग लगभग लगभग 5-5 से 6-6 क्वेश्चन कराए गए हैं। जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, तो न्यूटन रैप्सन मेथड पे आप लोग जाएंगे, आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे हमारे मैथमेटिक्स थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो आप लोग को न्यूटन रैप्सन मेथड के हेडिंग के अकॉर्डिंग एक थंबनेल मिल जाएगा, जिसमें 4-5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उन्हीं 4-5 क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर अप होगा। और बल्कि यही टॉपिक नहीं, सारा टॉपिक आपका मैथमेटिक्स थर्ड का कवर अप हो जाएगा। तो ये वीडियो सीरीज का मेन फंडामेंटल यही है कि आप तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहुंच सके और उन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करके आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। क्लियर, तो पहला टॉपिक आपको न्यूटन रैप्सन मेथड किसी भी हाल में कंप्लीट करके जाना है और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला जो टॉपिक है वो है आपका रेगुला फॉल्सी मेथड। जी हाँ दोस्तों, रेगुला फॉल्सी मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम टॉपिक मैंने रखे हैं ताकि कम से कम समय में आप बेहतर से बेहतर चीजों को जान सके। और मैं चाहता तो 8-10 टॉपिक और भी इसमें डाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने वही टॉपिक्स को उठाए हैं जो टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पूछने के इसके चांसेस हाईएस्ट होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने इसमें रखा है। तो रेगुला फॉल्सी मेथड को आपको कंप्लीट करना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं 4-5 क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, वहीं पे आपका कंसेप्ट जो है होगा वो क्या होगा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका न्यूटन फॉरवर्ड्स एंड न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंट इंटरपोलेशन। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन फॉरवर्ड से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और न्यूटन बैकवर्ड से भी देखने को मिल सकता है। इन दोनों में से
या तो दोनों देखने को आपको मिल जाएगा, या तो कम से कम एक मेथड तो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को आप मान के चलिए। तो ये जो आपके सामने टॉपिक्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लगभग 3 ही टॉपिक मैंने यहाँ पे रखे हैं, ज्यादा टॉपिक मैंने नहीं लिखा है। इतने टॉपिक को आप कवर अप करके जाएंगे, फर्स्ट यूनिट से आपका सवाल इसी टॉपिक के अंदर से आएगा, इन्हीं 3-4 यूनिट के, इन्हीं 3-4 टॉपिक से ही आपको सवाल देखने को मिलेगा डायरेक्टली एग्जामिनेशन में। तो प्रैक्टिस कीजिए चीजों को, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको लगे कि आपको नोट्स को एक्सेस करना चाहिए तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स दिया जाता है, क्या रहा है, मात्र 150 रुपीज चार्ज है फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, मात्र 150 रुपए में आपको मैथमेटिक्स थर्ड के कंप्लीट जो PDF है उनको दिया जा रहा है, जिसमें कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। शायद इस तरीके का कंटेंट आप तक कोई प्रोवाइड कर रहा हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग देते हैं लेकिन उनका क्या करते हैं, आंसर प्रोवाइड नहीं करते, तो ऐसा चीजें यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे सारी चीजें आपको टू द पॉइंट प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको देखने को मिले। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, तब तक के लिए थैंक यू।